ज्यादा से ज्यादा आप घर का और अपनी शरीर का बहुत ही इस्तेमाल कम करें। देखिए आपको जिंदगी ऊपर वाला नवाज रहा है, हमें जिंदगी मिली है। बहुत ऐसे लोग हमारे इस लॉकडाउन में निकल गए, हम चाहते हैं कि आप सही सलामत रहे। चला माही इलेवन अपन क्षेत्र से लावन गया पंत मैदान दाखिल झालेले आहेत। उमर इलेवन संघ आपल्याला विनंती करतो सलामी दोरी मैदान दाखिल करावी अशी तुम्हाला विनंती। पांच षटकांचा सामना आपल्या समोर येणार आहे, पांच ओवर का ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बड़े सितारे दोनों टीमों के साथ पैकेज की तरह। माही इलेवन की बात की जाए तो माही इलेवन ने पहला मुकाबला अपने पक्ष में बेहतरीन अंदाज में किया था, अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाज है, मगर उतनी तारीफ की जाए उमर इलेवन की भी तो अच्छी गेंदबाजी के साथ मुकाबला जीता 49 रनों पर। माही इलेवन फील्डिंग को सजा लिया हो, हेलो फील्डिंग लगा दे प्लीज जल्द से जल्द, बाउंड्री लाइन से हट जाए। चले माही इलेवन, माही इलेवन अपन क्षेत्र से लाउन गया अभी तुम्हारा विनंती। उमर इलेवन अपनी सलामी जोड़ी मैदान पर दाखिल किया जाए जी जल्द से जल्द। उमर इलेवन से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बल्लेबाज भेज दे सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द। और कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि इस बार हमें उस्मान की बैटिंग जरूर देखने मिलेगी और उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। जरूर दर्शक राहुल बात की जाए तो राहुल दर्शक इसलिए यहाँ पर जुड़े हैं कि बात हो रही थी कि बशीर भाई ने भी बताया कि उमर और उस्मान कब आ रहे हैं और उस्मान थोड़े से लेट पहुंचे, मगर दूसरे मुकाबले में देखिए आपने जीत हासिल की और सलामी जोड़ी मैदान पर। एक नासिक का बल्लेबाज तो एक तरफ है तलोजा और रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, चलिए इस मैदान पर देखने को मिल जाएंगे। लाजवाब मुकाबले हमारे सामने इस मैदान पर है। मैं विनती करूंगा हमारे तमाम दर्शकों से इस मैच का लुफ्त। माही इलेवन की जानी से गेंदबाजी की भी बात की जाए तो शुरू है जो कि एक माने जाने गेंदबाज है राहुल, अच्छी गेंदबाजी का नजारा है। ये टफ हमें अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा जो कि ये मुकाबले में पांच ओवर का मुकाबला है। पांच ओवर में एक ओवर पावर प्ले, 30 सर्कल के बाहर तीन खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे और पावर प्ले के बाद चले आइए जिग्नेश भाई की जानिब से लगातार बैक टू बैक तीन सिक्सर पर 501 रुपए का नकद इनाम है। चलिए मैं विनती करूंगा कि हमारे अतिथि मेहमान जरूर यहां पर मिलेंगे, मगर उससे पहले आइए पहली गेंद खेलने के तैयार होता हुआ तलोजा और उसके बाद जो माना जाता है रायगढ़ का टाइगर उस्मान बड़ेल। सुरवे की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार होंगे, मैच चालू कर रही है। दोनों पंताना विनती करते हैं ईश्वर गेंदबाजी पर रहेंगे, एक बेहतरीन गेंदबाज है तो उतना ही बेहतरीन बल्लेबाज। ये स्टफ हमें देखने को मिलेगी, लड़त हमें देखने को मिल जाएगी, टक्कर देखने को मिलेगी। चलिए सामने ला शुरुआत होते धोनी संघाला हार्दिक शुभेच्छा। ओह बेहतरीन गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ पहली गेंद लाइन क्रॉस होती हुई और यहां पर देखिए फ्री हिट का मौका भी आएगा। चलिए इस मैदान पर अब तोहफे आ रहे हैं राहुल, मगर कहीं तोहफे को कबूला जाएगा उस्मान के द्वारा या फिर गेंद या क्योंकि फिर जी बिल्कुल ये गलती आप नहीं कर सकते उस्मान के सामने। अगली गेंद इस दफा लगभग यॉर्कर लाइन, लंबा हिट लगाना चाहते थे नाकाम रहे वहां पे। एक अच्छे गेंदबाज है नामचीन गेंदबाज, कोई मौका नहीं। लगातार एक टफ मैच देखने आपको मिलेगा, लगातार फाइट होती रहेगी गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में। इस दफा शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे खेल दिया लेग साइड पर, जब तक फील्ड करते आसानी से एक अच्छा थ्रो आता हुआ कीपर के जानिब में और आसानी से एक रन पूरा किया। इसी के साथ खाता खुलता हुआ उस्मान का और स्ट्राइक पे पहुंच चुके इस वक्त मुन्ना शेख मैन ऑफ द मैच के हकदार उमर इलेवन के तरफ से। एक अच्छे बल्लेबाज है, ये जोड़ी काफी लाजवाब है मैं कहूं तो। आप लगातार देखेंगे कहीं ना कहीं 100 रन भी ये टीम जो है चेस कर जाती है, ये पार्टनरशिप के कारण, ये दोनों बल्लेबाज के कारण। आप देखेंगे 90 रन चेस करने थे बिग बैश में
और आसानी से ये दोनों ही बल्लेबाजों ने करके दिखाया, क्या कहना चाहेंगे आप? से कह राहुल, ये दोनों जोड़े की बात की जाए तो बहुत ही जगह, रायगढ़ की बात की जाए तो इस मैदान पर, पनवेर की बात की जाए वैसे हमारे मैदान पर की बात की जाए तो एक बेहतरीन जोड़ी ने बेहतरीन अंदाज में रनों को चेज भी किया है, अच्छी साझेदारी भी देखने को मिलती हुई। शॉर्ट गेंदी हल्को से पुल किया है, गेंद शॉर्ट डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में आती हुई, जब तक स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट कर पाते तुरंत जाएगा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक रन के साथ मुन्ना ने अपना खाता खोला, टीम को पहुंचाया 3 रनों पर, खुद पहुंचे 1 रनों पर, लाजवाब जोड़ी है। और वाकई में देखिए कि सूर्य की भी बात की जाए, जितना बड़ा बल्लेबाज है उतना बेहतरीन गेंदबाज भी है, दोनों में एक हमें लड़त देखने को मिल जाएगी, एक तेरी है तो एक मेरी है, ये जोड़ी इस मैदान पर है, मगर गेंदबाज की तारीफ उतनी करनी होगी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। सूर्य की अगली गेंद उस्मान पटेल के लिए आती हुई, राइट ओवर से गेंदबाजी होती हुई, ब्लॉकर में गेंदी खोद के निकाला, गेंद जाती हुई मिड ऑफ क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील किया जाएगा थोड़ी सी मिस फील, ये रन आउट का मौका था तो फायदा था कबूल लेने गए खिलाड़ी, और 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई इस मैदान पर 4 रन। अभी तक का कोई पावर प्ले में कोई मौका नहीं दिया, दोनों ही बल्लेबाज को बांधे रखा है, एक अच्छी गेंदबाजी लगातार यॉर्कर और गुड लाइन पर करते हुए, लेकिन देखना होगा कहीं ना कहीं एक बड़ा शॉट हमें देखने मिलेगा इस पावर प्ले के अंदर। जरूर सही कहा राहुल, अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर छुपते हुए, क्या बात है, क्या गेंदबाजी, दोनों बल्लेबाज उतने ही ताकत के उतना ही बेहतरीन गेंदबाज नजर आता हुआ सूर्य द्वारा इस मैदान पर, गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। अगली गेंद मुन्ना खिला देवी, फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में है, कैच होगा तो मैच बनेगा, देखना होगा खिलाड़ी कैच कीजिए, और ये कैच सेकंड अटेम्प्ट में मुन्ना डगआउट में जाते हुए पहला झटका लगता हुआ उमर 11 टीम को, उमर मुन्ना के रूप में कमांड दीजिए। हेलो एसपी 11 और रॉयल्स के कप्तान आ जाए टॉस के लिए प्लीज। चलिए यहां अंतर होने वाला सामना संडी एसपी 11 परेरा आपको जल्द से जल्द आना होगा टॉस के लिए, इसके बाद बड़ा एक मुकाबला हम देखने जाएंगे। पहला झटका लगता हुआ जरूर बड़ा शॉट खेलने गए थे मुन्ना, बैट पर बराबर गेंद आई नहीं, गेंद ने उछाई ली और वाकई में वहां पर खिलाड़ी तैनात थे डीप मिड विकेट पर, उन्होंने कैच को जज किया था, उनके हाथ से गेंद सटकी थी मगर सेकंड अटेम्प्ट में उस कैच को लपक के और उसके बाद बेहतरीन अंदाज में कैच पकड़ा। और मुन्ना का क्योंकि ये कैच छूटा तो थोड़े से टेंशन होता और गेंदबाज भी थोड़े से नाराज होते, क्या कहना चाहेंगे राहुल? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया गेंदबाज ने और कोई मौका नहीं दिया दोनों ही बल्लेबाज को, उसके कारण ये बड़ा झटका यहाँ पे उमर को गिरता हुआ। लेकिन एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अशरफ आते हुए, देखना होगा ये भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उतने अच्छे गेंदबाज यहाँ पे नजर आते हुए लेफ्ट हैंड, एक अच्छा लंबा रन अप इनका, लेकिन उतने रायगढ़ के टाइगर हमारे सामने मौजूद, देखना होगा कहीं ना कहीं एक बड़ा हिट देखने मिलेगा जहीर भाई, क्या कहते हैं आप? सही कहा, अगली गेंद उस्मान के लाते हुए बेहतरीन गेंद ब्लॉक में से खोद के निकाल, गेंद शॉट मिड विकेट पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, विकेट गिर सकता था, थ्रो अगर करते गेंदबाज के हाथों में गेंद आती तो जरूर उस्मान उतने ही चतुर, अच्छी रनिंग विकेट यहां पर देखने को मिली उस्मान द्वारा। 1 रन के साथ दिनेश गेंदबाजी पर आए हैं और पहले मैच में भी दिनेश ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, आपको बताता चलूं मैं, कोई रन नहीं दिया था ज्यादा, लगातार विकेट लेकर प्रेशर डालते हुए और इस दफा थोड़ी सी फील्डिंग में चेंज करते हुए अशरफ के लिए लेग साइड पर 2 फील्डर तैनात किया है, जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग जोन है उनका और वही करते हुए कप्तान वहां पे एक अच्छी सोच बॉलर के जानिब से। अगली गेंद अशरफ के लिए, और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ, हाइट के ऊपर थी कहीं ना कहीं, ये उसका फायदा उठाना चाहते थे लेकिन अंदरूनी किनारा लग के 1 रन आसानी से चुराया अशरफ ने। अंपायर आपका इशारा बाकी है, अभी भी नो बॉल के बाद क्या फ्री हिट है? फ्री हिट रहेगी। प्लीज अंपायर फ्री हिट का इशारा बता दें। जी शुक्रिया। हर इंटरनेशनल रूल इस मैदान पर फॉलो किए जाएंगे, ध्यान में रखना होगा। भीमर गेंद थी,
12 नो बॉल का इशारा था, फ्री हिट देखना होगा आती हुई उस्मान के लिए। अगली गेंद उस्मान द्वारा आती हुई फ्री हिट का शॉर्ट गेंद थी, फिल करना चाहते थे बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, थोड़े से नाराज होंगे उस्मान की, अच्छी गेंद थी, तोहफा आया था, कबूल आना गया, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में। डॉट गेंद वसीम भाई का आगमन होता हुआ मुमरा से तशरीफ लाते हुए हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए उनको हमारा सलाम आदाब है, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आप आए इस टूर्नामेंट की बाढ़ आई, आप आए इस टूर्नामेंट में चार चांद लगते हुए। लागली गेंद उस्मान के लिए आती हुई, चेंजअप सी बैकफुट पर गए, गेंद को खेला कवर के ऊपर से, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर कैच बना पाएंगे और बेहतरीन ट्राई की थी मगर गेंद हाथ से निकलती हुई और दो रन आसानी पूरे होते हैं दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तीसरे रन की मांग होगी मगर दो रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी, ये कैच बनाना चाहिए था, अच्छी ट्राई की थी मगर गेंद उनके हाथों से लगकर जमीन पर धरती होती हुई और दो रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई इस मैदान पर। 9 उमर 11 या संघाची एक गरीचा नोवा मध्य अब बात हुई। दूसरा शतक चालू अस्ताना, अच्छी गेंदबाजी इस मैदान पर देखने को मिलती हुई मगर आने वाली 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी रहेगा। उस्मान अभी तक कोई बड़े शॉट देखने नहीं मिले, गेंदबाज करने नहीं दे रहे उस्मान पटेल को। अगली गेंद उस्मान के लिए आती हुई, शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर छुपती हुई। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, ये ऐसी गेंदबाजी हमें ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर भी देखने मिलती है, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों, साउथ अफ्रीका गेंदबाजों, हमारे भारत के गेंदबाजों बुमराह के द्वारा हमें देखने को मिल गई थी। राहुल आप देखेंगे एक लगातार उस्मान को अटैक करते हुए लगातार शॉर्ट गेंदों पे सवाल पूछते हुए उस्मान से और अगली गेंद फिर से इस दफा स्लो रन थी बाहर की तरफ निकलती हुई, देखना होगा अंपायर का इशारा बाकी और ये आउट, एक और बड़ा झटका, एक बड़ा विकेट यहां पर उमर 11 के रूप में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाहर की तरफ थी वाइट, अच्छा बता रहे हैं शायद वाइट हो सकती थी लेकिन उसे छेड़ा वहां पे, एक रन लेना चाहते थे लेकिन एक बेहतरीन फील्डिंग और एक बड़ा झटका जाते हुए, यहाँ पे एक बड़ा झटका लगता हुआ। डीजे प्लीज। सर जी का आगमन होता है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मंच पर उपस्थित हो जाए, एक बेहतरीन शख्सियत हमारी स्मालोनी की और एक बड़ा विकेट उमर 11 टीम का गिरता हुआ रनआउट के रूप में उस्मान बडेल, मगर उस्मान की जगह ले गए हैं उमर खान, खानों के खान है, मगर क्या पहली मैच में नाराज किया था मगर क्या इस मैच में वो बल्लेबाजी हमें देखने को मिल जाएगी। अशरफ की लगली गेंद इस मैदान पर, बेहतरीन शॉट से ड्राइव खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन के बीच में जब तक खिलाड़ी उस गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे गेंद निकल जाएगी, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए फरार होते हुए बेहतरीन चौका आता हुआ, एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ। कम ऑन डीजे, जैसे ही आपने देखा एक विकेट गई रनआउट के रूप में, वहां पे एक अच्छी फील्डिंग और डायरेक्ट वहां पे रन आउट होते हुए उस्मान पटेल, बड़ा झटका था लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज यहां पे पड़े हुए उमर 11 में, लगातार एक अच्छे से अच्छे बल्लेबाज आपको देखने मिलेंगे और वही दिखाया अशरफ ने पहली गेंद। सही कहा राहुल, 13 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 विकेट के नुकसान पर उमर 11 या संघाची दाव संख्या बात हुई। शुरुआत गोलंदाजी करना हरी संघा साड़ी तीसरा वैयक्तिक अपना दूसरा शतक गेंद, समूह है तो उमर खान, खानों के खान, लॉन्ग स्ट्राइक पर है अशरफ, देखना होगा क्या बल्लेबाजी होगी इस मैदान पर या गेंदबाजी, वही अंदाज में पहली ओवर हमें देखने को मिली थी वैसी हो गया होगी सूर्य द्वारा। अगली गेंद खेलने तैयार उमर, उमर के लिए अगली गेंद सूर्य द्वारा, बहुत बार आमने सामने खेल चुके हैं दोनों गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज। अगली गेंद सुरवे की उमर के लिए आती हुई, बेहतरीन गेंद, शॉर्ट गेंद थी, आउटसाइड खेलना चाहते थे बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, रफ्तार गेंद थी, बैट का संबंध नहीं कर पाई, गेंद विकेट कीपर आतिश केदार के हाथों में जाकर छुपती हुई। डॉट गेंद, अच्छी साइड इस मैदान पर देखने को मिलती हुई पैकेज। अगली गेंद
आखिरी में फिगनी शट डाउन होता हुआ तीसरा झटका लगता हुआ उमर खान के रूप में और उमर इलेवन टीम को तीसरा झटका उमर डगआउट में जाते हुए। शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए गुड्डू भाई क्या कहेंगे इस गेंद पर, आप भी इसे मालूनी के बेहतरीन गेंदबाज है, बल्लेबाज भी रह चुके हैं, बेहतरीन सेनारी है, सितार है, बहुत साल आपने क्रिकेट को खेला है, मगर सुरवे की तारीफ करनी होगी उतनी कम होगी। क्या गेंदबाजी, उमर ऑस्टम पर आए और गेंद को सीधा ब्लॉकर में डाला, गेंद सीधी विकेट पर जाकर मंडा देवी, विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ उमर के रूप में। गुड बाई, शुक्रिया जहीर भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर गेंदबाजी की उतनी ही अच्छी तारीफ करना पड़ेगी जितनी उन्होंने अच्छी गेंद डाली। यहाँ पर गेंदबाज पूरी तरीके से, उन्हें पता था कि उमर किस तरह के खिलाड़ी है, किस तरह की वो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाज से पहले उन्हें थोड़ा सा एक बॉल बैकफुट पे किया और सेकेंड बॉल उन्होंने उतना ही बेहतरीन पूरा ब्लॉक होल में डाला। इससे गेंदबाज को, जैसे कहा जाता है, हम 100 में 100 मार्क्स यहाँ पर गेंदबाज को प्रतीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने उमर को बैकफुट पे ढकेला और उन्हें आउट किया। ये बहुत ही बड़ी बात होगी एक गेंदबाज के लिए। ओवर टू यू जहीर भाई। शुक्रिया गुड्डू भाई, वाकई में लाजवाब गेंदबाजी सूर्य द्वारा होती हुई इस मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर गए हैं, मगर क्या अब ये बल्लेबाज एक साझेदारी जोड़ पाएंगे, मगर सूर्य की तारीफ करनी होगी। पहली गेंद जरूर सही कहा गुड्डू भाई, थोड़ी सी घुटान उछाल ली थी गेंद ने और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुप गई थी, मगर दूसरी गेंद सीधी जहर मर डाली थी और गेंद विकेट को लेकर जाकर मंडलाती हुई और विकेट नंबर तीसरा डगआउट में जाता हुआ। कृष्णा पवार नए बल्लेबाज मैदान पर है, सुरवे की गेंद खेलने के लिए नॉन स्ट्राइक पर है अशरफ। राहुल क्या कहना चाहेंगे इसका, ओवर टू राहुल सर जी। जी बिल्कुल, देखिए कोई मौका नहीं दिया, सीधी रही थी गेंद और एक और दफा एज लगता हुआ डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा, अभी भी आना बाकी, 2 रन का इशारा आता हुआ, सीधी रख रहे हैं गेंद, काफी एलिवेशन इस वक्त दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, और जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। आपने पहले भी मैच में देखा था, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे उमर, नाकाम रहे और उसी को लगातार फॉलो किया, जिसके कारण एक बड़ा झटका गिरा उमर के रूप में और एक और रन आउट का चांस हो सकता था वहां पे। थोड़ा से नाराज बल्लेबाज, कोई जरूरत नहीं थी इस रन की, लेकिन वहां पे अशरफ चांस लेते हुए कहीं ना कहीं जोखिम उठाना होगा दोनों ही बल्लेबाज को। रन रेट अभी भी 18 रनों पर और 3 बड़ी विकेट आप देखेंगे, मुन्ना शेख, फिर उसके बाद उस्मान और उमर के रूप में गिरती हुई, और क्या गेंदबाजी कही जहीर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, लगातार गेंदबाजी गुड लाइनों पर, इतना आसान नहीं होता टेनिस क्रिकेट में। वाकई में शुराय लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अभी तक बात की जाए तो 2 विकेट अपने नाम किए हैं, 6 रन अभी तक दिए हैं, मगर अगली गेंद अशरफ के लिए आती हुई। शॉर्ट गेंद ही पुल किया है, मगर सक्सेसफुल होगा कि नहीं अंपायर का निर्णय का इंतजार, गेंद सीमा के बाहर नहीं जाएगी, 2 रनों के लिए जाएगी, इस 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, रन संख्या जब होती हुई 20, उमर इलेवन या संघाची। चले रॉयल वॉरियर्स टीम और सैंडी एसपी या संघाची कर्णधारांना विनंती करतो टॉस सड़िया, ओमकार देसाई आलियास इंतरिया अशी तुम्हाला विनंती करतो है। महमूद भाई हमारी आवाज अगर आपके कानों तक जाती है तो वसीम भाई कोई भी टॉस के लिए आ जाए। शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे बैट का एज लगा, गेंद देखना अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा, गेंद अब शॉर्ट पॉइंट पर जाती हुई 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या जा पहुंचती हुई 21। सैंडी एसपी संघ कर्णधार अपना विनंती करते टॉस साड़ी कर्णधार या 21 बांधे रखा बॉलर ने, अपनी दूसरी ओवर डाली थी और कोई मौका नहीं दिया दोनों ही बल्लेबाजों को, एक अच्छा शॉट लगाया था लेकिन कुछ खास लाभ नहीं मिला वहां पे क्योंकि डिक्लेयर तोड़ था 2 रन। लगभग 6.5 का रन रेट चलता हुआ जहीर भाई, कहीं ना कहीं ये 2 ओवर में बैट्समैन को चांस लेना होगा,
खास करके अशरफ को, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एक लंबे लंबे हिट मार सकते हैं। तीन ओवर की समाप्ति पर 19 रन हो चुके, 3 विकेट के नुकसान पर उमर 11, और कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी लगातार करते हुए, और उसी का आपको रिजल्ट देखने मिलता हुआ, एक प्रेशर बनता हुआ उमर 11 के बल्लेबाजों के ऊपर, और देखना होगा कहीं ना कहीं जोखिम उठाना होगा ये दो ओवरों में। लगता है मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ा शॉट अशरफ के बल्ले से देखने मिलेगा जहीर भाई। सही कहा राहुल, वो करना भी पड़ेगा क्योंकि टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है, ये फ्रंटफुट पर लाना होगा, मगर के इस मैदान पर आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। बॉलर चलिए 12 गेंदों का खेल बाकी, स्ट्राइक पर अशरफ देखने को मिलेंगे। तमाम दर्शक आए हैं, उनसे विनती रहेगी कि आप डिसीजन बना दे रहे, मास्क का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखें। अगली गेंद अशरफ के लाती हुई शॉट के दिए बैकफुट पर, गेंद को खेला कवर के रीजन पर, रन आउट का मौका हो सकता है, अंपायर का निर्णय, और ये डायरेक्ट विकेट गिरता हुआ, चौथा अशरफ भी डगआउट में आते हुए, और एक संगीत मैदान पर बजता हुआ कमांड डीजे। बेहतरीन शॉट है उसका, अलग क्षेत्र में जब तक गेंद को फील किया जाएगा, वन बाउंस में थ्रो आएगा विकेट कीपर, गेंदबाज के हाथों में दो रन आसानी से पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज, इस दो रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती भी।
हेलो 31 31 आखिरी ओवर है हेलो रॉयल वाइस के कप्तान आ जाएं प्लीज। तीसरे चक्के पर 500 रुपए। हेलो तीसरे अगर सिक्सर हैट्रिक सिक्सर लगता है तो यहाँ पर हमारा जो दोस्त जो हमारे बीच नहीं है जिग्नेश उनके नाम से 501 रुपए उन्हीं के खास दोस्त अशोक कटाले के हाथों से दिया जाएगा। आशीष कटाले ये बात बिल्कुल सही की आशीष तुमने कि ये मैच ये दो दो सिक्सर लगने के बाद थोड़ी सी राहत का जो सांस लिया होगा वो देखिए क्या ये हैट्रिक सिक्स लगेगा। देखना होगा। हाँ उड़ा ना शबीर भाई छोड़ा
45। हेलो, 53 रन बनाकर इस मैच को जीतना होगा। 53 रन। इसके बाद का जो टॉस हुआ है सैंडी एसपी और रॉयल वॉरियर्स के बीच में, जिसमें सैंडी एसपी ने टॉस जीता है। सैंडी एसपी के कैप्टन और रॉयल वॉरियर्स के कैप्टन दोनों ही मंच पे हमारे इरफान से कांटेक्ट करें। सैंडी एसपी कैप्टन और रॉयल वॉरियर्स के कैप्टन दोनों ही मंच पे इरफान से कांटेक्ट करें। सैंडी एसपी के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि टॉस जीता है आपने अपना निर्णय जल्द से जल्द बता दे। और साथ ही हमारे जिया कमेटी के मेंबर इरफान से कॉन्टैक्ट करें।
सैंडी एसपी के कप्तान, प्लीज अपने निर्णय बता दे, आप इधर आ जाए कमेटी बॉक्स में। सैंडी एसपी, आपसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द हमें निर्णय बताए और कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए प्लीज।
हेलो हेलो सेंडी एसपी कर्णधार किशन देवेंदर अपने विनंती करता अपन मंथावर ये थे किशन अपने विनंती है कि अपन मंथावर या किशन आपसे विनंती रहेगी कि हमारे मंच पर उपस्थित हो जाए जल्द से जल्द। सेंडी एसपी कर्णधार किशन देवेंदर अपने विनंती करते अपन मंथावर या दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 19 रन बनते हुए एक गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी रहेगा। दूसरा ओवर प्रगति पर है 53 रनों का लक्ष्य पूरा करना है इस मैदान पर। माही लोनिया संगवाड़ी अतीश केदारे न्यू बैट्समैन मैदान दाखिल होते बेहतरीन मुकाबले हमें देखने को मिल जाएंगे इस मैदान पर। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला उसके बाद और फिर एक बड़ा मुकाबला अतीश नए बल्लेबाज मैदान पर दाखिल होते हुए दूसरे ओवर की आखिरी गेंद थोड़ी सी दो गेंदें खराब थी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी बल्लेबाजों के द्वारा शॉर्ट गेंद थी देखना हम पार करने का इंतजार वाइट बॉल का इशारा आता हुआ 100 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या जापते हुए डबल फिगर पर 20 रनों पर 33 रनों की दरकरार है। गेंद आने बाकी रहेगी 19 19 चेंडू 33 जवान जवान सामना जिन्हें हारी माही लेवनी संगा हारी और फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद फिर से हाथ खुलते एम्पायर के एक्सरसाइज करने का मौका आता हुआ जी बिल्कुल थोड़े से लाइन से भटकते हुए गेंदबाज और लगातार दो गेंदों पर दो वाइड गेंदे देखना होगा लास्ट गेंद अभी भी बची हुई क्या एक बड़ा शॉट देखने मिलेगा हमें बल्लेबाज से इस दफा कारपेट शॉट खेला लेग साइड पर जब तक फील्ड करते अच्छा कॉल दिया दो का मना किया वहां पे बल्लेबाज ने ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है बावीस रन दो विकेट के नुकसान पर। चलिए दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 22 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए किशन देवेंद्र सर अपने विनंती करता हूं मंथावर या अपने विनंती है संडे एसपी कर्णधार इसके बाद एक बड़ा मुकाबला और उसके बाद विक्रोली विक्रोलियंस वर्सेस विनर के बीच हम मुकाबला देखने जाएंगे जो संघ हाँ विजय हुई तो उपंत फेरी मध्य सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगा। लाजवाब मुकाबले हैं बाढ़ से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू करें थोड़ा सामना शुरू करे थे उमर इलेवन संघ अपना क्षेत्र से लाऊंग उशीर करने का तुम्हारा विनंती इसके बाद हमें और चार मुकाबले खिलाने हैं ये ध्यान में रखकर आप मैच की शुरुआत की जाए पौने तो बच चुके हैं लाजवाब मुकाबले आप जानते हैं कि शाम 6 बजे सूरज ढल जाता है सुंदर सा सामना एनारिया 18 चेंडू है 31 धावन धावन सामना जिंकना साड़ी 10 ची सरासरी या मैदान राखा लगे ना माही लोने फलंदा साड़ी अतीश टाइग लगाया पर दे लाजवाब मुकाबले और वाकई में जिया स्पोर्ट के जानी से शेर इंडियन मला ट्रॉफी 2020 का महासंग्राम माननीय देखने को मिलती हुई और बेहतरीन ट्रॉफी हमारे मंच पर उपस्थित है 1 लाख नकद इनामों की राशि उसके बाद दूसरा इनाम 50,000 रुपए सचिन सर जी का भी आगमन होता है उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं एसपी के बेहतरीन सीनियर खिलाड़ी जिन्हों के बाद बहुत ही है और वैसे खिलाड़ी हमें देखने को मिल जाएंगे आज इस मालोनी के मैदान पर बहुत बार खेल चुके हैं जी बिल्कुल आपने सही कहा काफी बड़े बड़े चेहरे हमें देखने मिलेंगे कश्यप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए राहुल एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा 18 गेंदे हैं 31 रनों की जरूरत है ये ओवर में मैच कुछ ना कुछ फील्डिंग के पक्ष में भी जा सकता है बल्लेबाजी की ये ओवर में 10 या 12 रन बन जाएंगे तो बल्लेबाजी को मजबूती ताकत मिल जाएगी आप क्या कहना चाहेंगे जी बिल्कुल देखिए 10 के ऊपर का रन रेट चाहिए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ओवर बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे दोनों ही बल्लेबाज पहली गेंद फुल टॉस थी उसे खेल दिया वी के दिशा में उसके नीचे फील्डर आते हुए लेकिन एक शानदार फील्डिंग वहां पे
पूरे 5 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए, और कहीं ना कहीं ये देखना होगा इस फील्डिंग के कारण काफी क्लोज मैच होता हुआ जहर पर। राहुल इंटरनेशनल की पूरी याद दिला दी है खिलाड़ी ने, और वाकई में देखिए कि दर्शक किस लिए है कि खेल हार जीत तो एक तरफ लगी है मगर खेल अच्छा हो, एक तरफा ना हो, हम किस लिए मैदान पर आए कि खेल अच्छा हो, कोई भी खिलाड़ी जीते ये मुकाबला, कौन सी भी टीम जीते मगर अच्छा हो। बेहतरीन शॉट खेला था आतिश ने, शॉट गेंद दी, गेंद को खेला है, गेंद हवा में, ये कैच बनेगा तो मैच बनेगा, खिलाड़ी कैच के नीचे, और लाजवाब कैच, देखिए उधर तारीफ करनी होगी, बेहतरीन कैच है, डीजे कम ऑन। लाजवाब कैच और बड़ा विकेट गिरा है माही इलेवन टीम का सूर्य के रूप में, मगर अभी भी मैच 50-50 बचा है दोनों टीमों के लिए। आने वाले 10 गेंदे हैं, 16 गेंदे हैं और अभी भी 30 रनों की दरकरार है, मगर एक बड़ा शॉट आएगा इस आने वाली 4 गेंदों में, मैच में बनने का मौका मिलेगा माही इलेवन टीम के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2-3 शॉट जो है अगर लग जाते हैं तो काफी क्लोज मैच जा सकता है। क्रिकेट है, क्रिकेट कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन उतनी बेहतरीन कैच आपने देखी, क्या जबरदस्त भागते हुए वहां से लगभग ऑफ की दिशा से लेग साइड पर उन्होंने कैच पकड़ा, और उससे पहले 5 रन रुके थे, लगभग आप देखेंगे तो 6 रन रोकते हुए और उसी का फायदा मिला उमर 11 को। और यहां पर मिस फील होती हुई और गेंद सीमा के बाहर, 4 रन के फरार थे। गेम में कुछ खराबी नहीं थी जहर भाई, अगर मैं कहूं तो फुल टॉस थी लेकिन कारपेट शॉट था, थोड़ी सी वहां पे मिस फील्ड के कारण ये 4 रन, काफी क्लोज मैच होता हुआ। वापसी देखना होगा कि क्या ये चौके के साथ वापसी कर पाएगी। आतिश के लिए अगली गेंद इस मैदान पर, और बेहतरीन गेंद थी, देखना होगा अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा। बैट पर एक गेंद लगी थी मगर क्या विकेट कीपर के दस्ताने से छूटकर गेंद डिक्लेयर जोन की तरफ भी गई है, मगर वहां पर कोई डिक्लेयर नहीं है, गेंद जब बाहर जाएगी तो आपको रन 1 रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, एक गेंद थोड़ी सी मिस फील होती है खिलाड़ी के बाद, तो गेंदबाज वापसी करके टीम को वापसी लेकर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लगातार जो है अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अच्छे टप्पे पे रखते हुए, लेकिन उतने ही बैट्समैन लगातार कोशिश में, देखना होगा अगली गेंद, इस दफा लगभग लॉक थर्ड मैन की तरफ जाते हुए एक कैच जरूर छूटा था उस्मान के हाथ से, काफी नाराज दिखते हुए, उन्हें मालूम है काफी बड़ा विकेट है, काफी क्लोज जा सकता है ये मैच का, और लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए कोई मौका नहीं दिया, एक मिस फील्ड हुआ था लॉन्ग ऑन की जानिब से, लेकिन उसको कवर करते हुए बॉलर एक्सपीरियंस दिखाते हुए अपना टेनिस क्रिकेट में, और यही खास बात है टेनिस क्रिकेट की, आप लगातार इसमें बदलाव देखते रहेंगे। अगली गेंद इस दफा नीचे की तरफ रहे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, नाकाम रहे, और आउट की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है। एक बात की जाए तो 12 गेंदे 25 रन है, 12.5 के रन रेट से खेलना है, बल्लेबाजियों को करनी है, मगर इस मैदान पर गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी कि गेंद मिस फील्ड होने के बाद 4 रन गए, और ये यहां पर बेहतरीन गेंद दो हमें राहुल गेंदबाजियों पर देखने मिली, और बल्लेबाजों को बीट करते गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, मगर ये 12 गेंदे, मगर ये आने वाली ये 6 गेंदे पर 10-12 रन बन जाएंगे, मैच में माही इलेवन को बनने का मौका मिलेगा, मगर उमर इलेवन के गेंदबाज करने देंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो आ चुके हैं सबसे मेन गेंदबाज उमर 11 के अंकित, मैं कहूंगा इतना आसान नहीं रहेगा इनके विरुद्ध एक बड़ा शॉट लगाना, लेकिन देखते हैं क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्त नितेश कहा करते थे कि अगर 12 गेंदों में 25 रन चाहिए तो सिर्फ 4 सिक्सर आपको भार मानने होते हैं, और वो 4 गेंदों का आपको 12 बॉल मिलती है वो 4 बॉल खेलने के लिए, तो देखना होगा क्या कैलकुलेट कर पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज।
सही कहा, लाजवाब मुकाबला है। 12 गेंदे हैं, 25 रनों की दरकरा है। इनर 12 चेंडू 25 दावा माही 11 या संगा साड़ी दोनी संगला हार्दिक शुभेच्छा। दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक बधाई। हमारे तमाम कमेटी मेंबर यहां की जनता की जानिब से, तमाम आए हुए टीमों की जानिब से, एक बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। बेहतरीन कौन सी टीम जीत गएगी वो सीधी अपनी जगह बनाएगी सेमीफाइनल में, मगर कौन सी टीम जीत पाएगी इस मैदान पर। अनिकेत की गेंद अगली आतिश किरार के लिए आती हुई, एक बड़ा खिलाड़ी बड़ा गेंदबाज। अष्टम पर आए, गेंद को पुल किया है मगर सक्सेसफुल नहीं हुए, गेंद सीधा इसको अलग क्षेत्र में जाती हुई। एक रन जरूर मिलेगा, एक एक रन के साथ आगे टीम को पहुंचा रहे हैं, मगर आने वाली 11 गेंदे 24 रनों की दरकरार है। क्या मुकाबला इस मैदान पर, दर्शक क्यों आए हैं, मुकाबला कैसा भी हो मगर बेहतरीन होना चाहिए। वन साइड हमें मुकाबले देखने मजा नहीं आती, इसलिए दर्शक यहाँ पर पहुंचे हैं। उमर आए हैं, उस्मान आए हैं, मगर माही लेन के सामने से बड़े बड़े सितारे बल्लेबाजी के लिए भी इस मैदान पर माहिर है, मगर क्या आतिश कर पाएंगे, गेंदबाज अनिकेत करने देंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। एनआर 11 चेंडू 24 धावन दावा धोनी संगल हार्दिक शुभेच्छा। अगली गेंद अनिकेत की, बेहतरीन गेंद दी ऑन साइड खेला जाता है, गेंद नो का अंपायर का निर्णय का इंतजार, गेंद जाती हुई शॉर्ट पॉइंट पर, जब तक गेंद को मुन्ना कलेक्ट कर पाएंगे। लेग बाय का इशारा आता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, अभी भी आने वाली 10 गेंदे हैं, 23 रनों की दरकरार है, मुकाबला अभी भी बरकरार है, मगर क्या एक बड़ा शॉट आएगा ये मैच में बनने का मौका मिलेगा माही 11 या संगा साड़ी। क्या अनिकेत करने देंगे, बेहतरीन गेंदबाज है, बहुत सालों से उमर 11 के लिए खेलते हैं मगर आज तक अच्छी गेंदबाजी पर, इसलिए तो उमर ने भरोसा रखा है कि अनिकेत इस गेंदबाजी को इस ओवर को करे। आने वाली 4 गेंदे दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्या गेंद सीमा रेखा देख पाएगी या आने वाली 4 गेंदों पर या विकेट हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर तमाम दर्शकों को। अनिकेत की अगली गेंद जी, बिल्कुल एक रोमांच बढ़ता हुआ गेम में, अगली गेंद अनिकेत की देखना होगा। इस दफा ऑफ की जानिब से खेल लिया, उसके नीचे मुन्ना शेख आते हुए आसान सा कैच, एक और विकेट गिरता हुआ, एक और बड़ा झटका, अच्छी गेंद। बैकफुट पर जरूर गए थे, बराबर बैट पर गेंद आई नहीं और गेंद ने थोड़ी सी उछाली और मुन्ना ने देखा कि गेंद बराबर पॉइंट पर उड़ी है, तो गेंद पर सीधे से 30 सर्कल के बाहर निकले, कैच को जज किया और विकेट नंबर इस मैदान से बाहर होता हुआ। मगर अब आने वाला थोड़ा सा प्रेशर माही लेन के बल्लेबाज दोनों बल्लेबाजों पर जाएगा, मगर आने वाली 9 गेंदे हैं इस मैदान पर, 23 रनों की दरकरार है मुकाबला जीतने के लिए, मगर आने वाली ये 3 गेंदे क्या देकर जाएगी बल्लेबाजों के लिए या गेंदबाजों के लिए। जी देखिए, अभी ये हमेशा देखने मिलता है जब अनिकेत आते हैं गेंदबाजी पे, हमेशा जो है कवच को और पॉइंट को अंदर रखते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ गेंद निकलती इतना आसान नहीं होता शॉट लगाना, और उसी का हमने देखा कि एक आसान सा कैच पकड़ा मुन्ना शेख ने, और लगातार वही गेंद करते हुए कोई मौका नहीं दिया। एक आप हमेशा याद रखिए, बेस्ट बॉलर हमेशा आप रखते हैं अपनी टीम ने, और वही उमर दिखाते हुए और अपना टैलेंट दिखाते हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? सही कह राहुल, वाकई में इसलिए तो भरोसा रखा था कि 12 गेंदे और 25 रनों की दरकार है, कौन सा गेंदबाजों को चुना जाए, तो अनिकेत को चुना गया और अभी तक 4 गेंदों में 2 रन देकर एक बड़ी सफलता हासिल की है अनिकेत सावंत ने, मगर आने वाली ये 2 गेंदे क्या बल्लेबाजों के लिए होगी। अगली गेंद खेलने के तैयार अनिकेत की, यहां पर आतिश और एक बड़ा शॉट खेलने जा रहा है, बैट के नीचे लगती हुई गेंद जाती हुई इसको अलग क्षेत्र में, अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा, देखना होगा कितने रन इस मैदान पर जुड़े जाएंगे। दो रन आसानी से पूरे किए जाएंगे, यह अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा हमारे कमेंट्री बॉक्स में। एक लंबा चेस करना पड़ा वहां पे उस्मान पटेल को, दोनों ही बल्लेबाजों ने दोनों रन भाग के पूरे किए, और कहीं ना कहीं आखिरी बॉल काफी इंपॉर्टेंट होगा जहीर भाई, मुझे लगता है एक बड़ा शॉट देखने मिलेगा। जरूर सही कहा, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। अनिकेत की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद दी, गेंद को खेला कवर के ऊपर से, गेंद हवा में, ये कैच बनेगा मैच बनेगा, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ, बड़ी मछली जाल में लगती हुई, आतिश केदार गॉन होते हुए, कमांड दीजिए।
मिलेगा माही लेविंदा बल्लेबाजों को, मगर क्या गेंदबाज कौन से होंगे, गेंदबाज करने देंगे तो आने वाला समय तय करेगा। येणारा सात चेंडू 22 धावांत आव्हान, कोणता संघ उपांत फेरी मध्ये जाईल ते आपण पाहूया। नक्की एक सामना लढत आपण पाहतोय जी आई इलेवन स्पोर्ट की जानी से ये टूर्नामेंट खेला जाता हुआ शेर इंडियन बड़ा ट्रॉफी 2020 का महासंग्राम तीसरा मुकाबला आज के दिन का क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं। इस मैदान पर पहला मुकाबला हमने देखा था। चला सैंडी एसपी संघ आपल्याला विनंती करतो आपण निर्णय सांगायचे जी बिल्कुल आपसे करूंगा निवेदन। इसके बाद भी काफी बड़े बड़े मैच आपको देखने मिलेंगे। ओमकार देसाई ऐसे बड़े बड़े बल्लेबाज आपको देखने मिलेंगे, सुमित डेकले, किशन देवेंद्र, और वाकई में सही कहा राहुल, इसके बाद तो एक बेहतरीन बड़े बड़े मुकाबले हमें देखने को मिल जाएंगे। बड़े सितारे आज इस मालोनी के ग्राउंड पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और मालोनी की चांद होती हुई हमारे तमाम कमेटी मेहमान के जानी से तमाम ने जो मेहनत की और 8 महीने के बाद ये क्रिकेट का महासंग्राम हमें देखने को मिल रहा है। और वाकई में जो एसपी के सचिन सर जी आए हैं जिन्होंने बेहतरीन टूर्नामेंट को आगाज किया था। फुल टॉस गेंद दी ऑन साइड खेला जाता है, बराबर का लेकिन देखना अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा। अब बैट पर गेंद लगी है वहीं मंडलाती हुई, मगर एक रन छुड़ा लिया है। अभी भी 5 गेंद है, 21 रनों की दरकरार है। हाथ चेंडू कदी नक्की था राहुल, अगर ये गेंद सीमा रेखा देख पाती तो मैच थोड़ा सा माही लेन के पक्ष में आता, मगर बल्लेबाज मीत हुए और गेंद विकेट के पास मंडलाती हुई नजर आई। आप क्या कहना चाहेंगे, 5 गेंदे 21 रनों की दरकरार जी? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो 22 रन का जो रन रेट है वो काफी ज्यादा हो गया। अगर इसको कैलकुलेट करे तो इतना आसान नहीं होता आपको 6 गेंदों में 22 रन बनाना। उसका ही कारण है कि कुछ क्लियर नहीं कर पाया अभी तक का। और राहुल नकीदा आखिरी ओवर के 6 गेंदे और जो बिग बिग 3 सिक्सर आए थे वही यहाँ पर माही लेन को खिलते हुए नजर आते हुए, और बेहतरीन गेंद, क्या रफ्तार में थी गेंद, और गेंद सीधी निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 गेंदे 21 रनों की दरकरार है। इनारा 4 चेंडू 21 दावा सामना जिग्नेसाड़ी। चलिए यहाँ पर सैंडी एसपी ने टॉस जीता है। वसीम भाई प्लीज आ जाए, इस दफा फुल टॉस बनाया उसको, एक अच्छी फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑन की जानिब से 2 रन की कोशिश, लेकिन रिकॉर्ड रन आउट। तीन गेंदों में अभी कुछ बाकी नहीं रह गया है जहीर भाई, मुझे लगता है क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो भाई माइक, राहुल माइक खोल दे भाई, देखना होगा अगली गेंद बैट्समैन के लिए। इस दफा घुस के खेलना चाहते थे, लॉन्ग रन पे जाती हुई बॉल जब तक फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाज ने, अभी कुछ बचा नहीं है। जहीर भाई अगर मैं कहता दोनों ही डिफेंडेड बहुत अच्छे से किया, और उसका कारण रहा है मेरे को लगता है कि उमर 11 की फील्डिंग लगभग 10 रन बचाए इस मैच में। आप देखेंगे एक लॉन्ग रन पे एक अच्छा फील्डिंग हुआ था, 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए वहां पे, फिर उसके बाद एक अच्छा कैच आपको लेग साइड में मिला, एक रन आउट देखने मिला, लगभग 10 रन बचाए, उसके कारण जो है ये टीम लगातार जीतती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?